महाराज हम लोग एक संसार में परदेश में है, भगवान जब चाहेगा इस किराए के मकान को खाली करवा लेगा। अगर है तो सत्य केवल भगवान का थोड़ा नाम है। अगर इस जीवन में हम लोग थोड़ा सा भगवान का नाम तक नहीं ले पाए तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। कहने लगे राजन, एक भक्त और भगवान का किस प्रकार से मिलन होता है? कहने लगी, आज जिस समय भगवान विष्णु की आंखें खुली है तो उन्होंने सृष्टि रचने का कार्य प्रारंभ किया है। क्या? सृष्टि रचने का कार्य प्रारंभ किया, अपने नाभि के द्वारा कमल उत्पन्न किया, कमल से ब्रह्मा से सौनकादिक मानस पुत्र पैदा हुए। भगवान विष्णु की इच्छा से जब ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में फट जाता है तो दाएं बाएं भाग से एक नर नारी का जोड़ा निकला है, जिसे नर शरीर को शव मन कहा गया और नारी शरीर को सतरूपा कहा गया। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ तुम पति पत्नी के रूप में रहो और सृष्टि का विस्तार करो, जिससे संसार की सृष्टि आगे बढ़े। महाराज शत्रुपा के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म हुआ है, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। दो बेटों का जन्म हुआ है, समय अनुकूल व्यतीत हुआ है। महाराज उत्तानपाद वहां के अवध्या के राजा हुए हैं, क्योंकि अवध्या नगरी हमेशा अच्छे अच्छे राजाओं से शोभित रही है, बहुत अच्छे राजा हुए हैं। राजा यति मन में सोच रहा, यरी करे प्रजा से प्यार भारी। पर प्रजा में ना कोई करी रहो रे महाराजा की बदनाम। नारी घर में प्यारी है, बोल गोविंद भगवान। ये गाते रहते हैं, पहले गाते हैं।
अरे इतने टाइम कुछ ऐसे करो कहाँ बताए भैया जी तुम कहाँ का है बताओ। इससे कुछ नहीं हो पाएगा, हम गा भी नहीं पाते कुछ नहीं। इससे आवाज नहीं मिलती जो हम गाते उससे भी आवाज नहीं मिलती। सुखदेव जी महाराज वाच करते हैं राजन, सदाचारी रानी सुनीत के साथ में महाराज तानपाद का विवाह हुआ है। सुमाने सुंदर, नीतवान माने अच्छे गुणों वाली रानी, बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर रानी है, आज महाराज दोनों समय से व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं दी है। सब कुछ दे दिया है लेकिन उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं दी है। महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी है, बहुत दुखी है। बताया अरे हाथ जोड़ी के कहे रे सुना पति पानी प्रभु माया या परंपार रे, प्रभु माया या परंपार रे, जाती नहीं जाली नहीं जानी। इतने दिन तक संतान नहीं दुनिया पर हंसी उड़ाती है, महाराज निवल कहलाते हैं परदासी बांझ गाती है। हो गई पिया, मैंने आपकी वंश की बेल बढ़ाने में फेल हो चुकी हूँ। अरे कोई कोई रोवे सांझ सवेरे, कोई कोई रोवे भोरा हरीरा, अरे रानी रोवे बीच अंगन में बिधना कर सोजर चोबिधा। ओरे मुरली वाले श्याम नजरिया कहाँ पे तारी है, कहां पे डारी है। ओरे बंसी वाले श्याम नजरिया